हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैंक वंस अगेन। तो बात करेंगे हम एफईजी टोकन की, जिसने कि लास्ट टाइम हमको पिछले हफ्ते 400% का प्रॉफिट दिया था और हमारा टारगेट था 1000% का। हमारा टारगेट 1000% का था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि मार्केट डंप होने के कारण यह भी 84 से रिटर्न हो गया और 200% डाउन आ चुका है। 200% अब ये डाउन आ चुका है। अब यह मार्केट क्या है, पिछले 24 घंटे से करेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी फिर से 100 से 200% तक की बन रही है। और इसके मार्केट डाउन होने के साथ साथ इसमें क्या हुआ है कि इसका जो वॉल्यूम था वह जो था 15 मिलियन तक पहुंच गया था, जो कि है 1.8 मिलियन है, और रैंक इसकी जो है 2928 थी, जो कि 3000 के नीचे आ गई है, 3113 आ गई है। वहीं मार्केट कैप भी इसका हाफ हो गया है। तो उसका कारण यही है कि इसमें क्या है, वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 15 मिलियन हो गया था और मार्केट अच्छा बूम, मतलब मार्केट 45, मार्केट बोले तो बीटीसी जो था, बिटकॉइन जो था, वह 45,000 टच कर दिया था। उस समय इसने अच्छा बूम दिया था और 400% का हमें गेन इसमें मिला था। नेक्स्ट अभी हम की ब्लॉकचेन की बात करें तो इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस है, प्रोजेक्ट है। और होल्डर्स की बात करें तो इसके 1 मिलियन होल्डर जो हैं हो चुके हैं, इसके जो है 1 मिलियन होल्डर हो चुके हैं। हम इसके होल्डर्स, सबसे पहले इसके होल्डर्स की बात करें ईथर स्कैन में, तो ईथर स्कैन में जो 94,000 से 95,000, यहाँ पर देखिए 95,000 तक हो गया है, 94,000 से 95, मतलब होल्डर्स में भी अभी इंक्रीमेंट होने लगा है फिर से पिछले 24 घंटे में। और वहीं हम इसके बीएससी स्कैन पर होल्डर्स की बात करें तो बीएससी स्कैन में होल्डर इसके 99,18,000 थे, जो कि 30,000 हो गए। मींस यहां पर बीएससी स्कैन में भी होल्डर्स इंक्रीज हुए हैं। बात करें इसके प्रोजेक्ट की, यहां पर ट्रांसफ़र की यदि हम बात करें तो लगातार इसमें अभी मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र्स का मूवमेंट मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। वीडियो थोड़ा सा रीजनेबल है, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पे हम इसके ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र 38,92,862 ट्रांसफ़र हुए हैं। प्लस फिर इसके रिसेंट ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये देखिए ट्रांजैक्शन इसमें फिर से चालू हो गए हैं। और यदि मार्केट, एक कंडीशन है कि मार्केट यदि स्टेबल होते हुए और ऊपर जाता है तो इसमें हमको 200% तक का इंक्रीमेंट फिर से देखने को मिलेगा। होल्डर्स की बात करें तो इसमें क्या है, वैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि होल्डर्स इसमें पर्टिकुलर एक ही एड्रेस पे ज़्यादा परसेंटेज में होल्डिंग नहीं है, इस मतलब जो भी इसके होल्डर्स है वो एक्चुअल रिटेल यूज़र है। इस वजह से क्या है, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है और एकदम से यहाँ पर वेल्स एंट्री लेते हैं और इसको पंप कर देते हैं, तो उसी एंट्री पर जैसा कि इसमें लेने वाले हैं तो वहाँ पर हमको। एनालिटिक्स की बात करें तो यह प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था, लगभग 1 ईयर हो गया है। यदि हम इसके ट्विटर हैंडल्स की बात करें, ट्विटर हैंडल्स पे जो एक्टिविटी है, जिसमें इसका जो डीफाई स्मार्ट जो था लॉन्च होना था, स्मार्ट डीफाई वी आर लाइव, मतलब यहाँ पर लाइव हो गया है। यहाँ स्मार्ट डीफाई से इन द सेंस ये क्या है, कुछ टोकन, मेक यूअर टोकन, ऐसा कुछ इसमें दिया, यहाँ पर देखिए विजिट क्रिएट यूअर टोकन टुडे, विजिट स्मार्ट डीफाई डॉट कॉम। तो यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट D5 को लाइव कर दिया और इनका नेक्स्ट टारगेट जो है 5 मिलियन, 1 मिलियन तो क्रॉस हो गया, अब 5 मिलियन यूजर्स पे है।
प्लस इसकी बर्निंग से रिलेटेड भी इसमें साइट में हर चीज़ दी है। अब हम इसकी वेबसाइट में जाके देखें, वेबसाइट में जाके देखते हैं, यहाँ पर हम वेबसाइट में जाके देखें। और उसका सबसे पहले तो इसके जो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप की है, बाइनेंस, इथेरियम, पेंटम, एवलांस और पॉलीगन। अब FEGEX मल्टी चेन डेक्स डिसेंट्रलाइजेशन फॉर ऑल ऑफरिंग ट्रेडिंग रेफिंग स्टैकिंग एंड लैंडिंग, ठीक है। इसके बाद एंड सो मच मोर, मल्टी चेन में यहाँ पर दिया है कि एन एक्सपांसन ऑफ फैंटम, यहाँ देखिए इनका फैंटम, पॉलीगन, एवलॉन्च अंडरवे। ये जो तीन चेन्स हैं यहाँ पर, यदि नेक्स्ट 6 मंथ और 3 मंथ या 1 ईयर 2022 में यदि एक और दो चेन पर यदि ये लॉन्च हो जाता है तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। स्मार्ट स्वैप है, मींस इसका जो प्रोजेक्ट है वो है ग्रो करने से संबंधित प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि किसी भी टोकन में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तभी, क्योंकि यह जो है कम्युनिटी बेस है। यहाँ पर देखिए पैसिव इनकम में एक चीज़ दी है कि अ पोर्शन ऑफ एवरी टोकन इमीडिएटली FEG टोकन होल्डर एस मीन्स अर्न FEG जस्ट बाय होल्डिंग FEG ऑन योर वॉलेट। तो यहाँ पर अपने वॉलेट में होल्ड करके भी हम FEG अर्न कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नेंस टोकन मल्टी चेन यहाँ पर दे दिया, 2 सेपरेट सप्लायर अपकमिंग ब्रिज इफेक्टिवली मर्ज दी सप्लायर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जिस्टिंग सप्लाई, 3 न्यू ब्लॉकचेन यहाँ पर दिया है, फैंटम, पॉलीगन, एवलॉन्स। दन नंबर ऑफ FEG टोकन सर्कुलेटिंग विल नेवर इंक्रीज, इसके बाद यहाँ पर सर्कुलेटिंग इनकी इंक्रीज नहीं करेंगी, ट्रूली डिसेंट्रलाइज है। इसके बाद बात करें तो इसमें प्राइस दिया है, यहाँ पर ये जो है स्मार्ट चेन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, वहीं इथेरियम की स्मार्ट चेन पर इसका प्राइस 3642 आ रहा है, मींस अलग अलग स्मार्ट चेन पर अलग अलग। इसके बाद मार्केट कैप ये सब चीज़ें दी हैं, और इसके वाइट पेपर की यदि हम बात करें तो हर चीज़ इन्होंने जो है ट्रांसपेरेंट दी है। वाइट पेपर की यदि हम बात करें तो वाइट पेपर में इन्होंने पूरा अपना सेकेंड एडिशन जो था लेट्स फ्री गोरिल्ला बी द फ्यूचर ऑफ डीफाई, मतलब इनका जो फाइनली मोटिव है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का है, जिसमें कि है बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके थ्रू करते रहते हैं। इसके बाद शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डीफाई 1 ऐप एट द टाइम अ पजल और द इको सिस्टम के बारे में दिया है, FEG फोकस द रेस्पिंग एंड एवॉल्विंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वर्क विद अ कम्प्लीटली वाइल डिलीवरिंग द मोस्ट रोबस्ट इको सिस्टम एवर डिजाइंड टू सपोर्ट द डीफाई मच नीडेड एडवांसमेंट। तो ये सब इस प्रोजेक्ट के बारे में है। अब मेन चीज़ इसमें ये आती है कि हमको किसी भी टोकन में हमको PhD नहीं करना। हमारे यहाँ पर मोटिव यह रहता है कि हम उस पर 100% और 200% का प्रॉफिट अर्न करें और उसके बाद वहाँ से निकल जाएं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने 400% का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि मैं आपको लाइव बता दे रहा हूँ यहाँ पे FEG टोकन में जाकर। यहाँ पर हम Get.io ही मैं प्रेफर करता हूँ कि Get.io से आप FEG टोकन और EFT से रिलेटेड वीडियो ट्रिक्स वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ कि ETF से अर्निंग कैसे करते। उसमें एक टाइम लिमिट रहती है कि आप 1 हफ्ते या 15 दिन के बीच में जो अर्निंग आपको करना है वो आप कर सकते हैं। FEG टोकन अभी देखिए यहाँ पर 1% का इंक्रीमेंट यहाँ पर दे रहा है। प्लस हम इसके चार्ट में जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो वैल्यू थी 22 थी, फिर इसमें 400% का जब इंक्रीमेंट हुआ था, 400% का जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ था 400% का जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ था तो यह जो था 8499, मतलब यदि हम 22 में सीधा 4 का गुणा करें तो ये 88 होता है, मतलब अप्रोक्स जो था 400% ने दे दिया था। उसके बाद ऑब्वियस है मार्केट डाउन हुआ है, तो ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है जो नीचे ना आया हो। तो इसी सीरीज में यह भी नीचे आ गया था और यहाँ पर बाइंग पोजीशन
हमारी बनती है कि अभी यह जो है 37 पर है और इसमें यदि 2% का इंक्रीमेंट होता है 200%, तो यह 37 × 2 मतलब 70 to 75 पे यह जाएगा। तो वहाँ से हमको प्रॉफिट बुक करना है, बाकी जो हमने कॉस्ट लगाई है वो निकालना है और बाकी का उसमें पड़े रहने देना है। तो यह इसका एनालिसिस है। इसी प्रकार मैं एक UFO पे भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा जिसमें आपको पूरी UFO जो गेमिंग टोकन है उस पर पूरी जानकारी दूँगा। तो आई होप आपको जानकारी रीजनेबल लगी होगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।